देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्यः। ओम नमस्कार, एसटी योग में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य आशीष टिंगवाल। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के राशिफल की और माह महीने की जो शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है मिथुन लग्न से। लग्न का स्वामी यानी कि बुध पत्रिका के अंदर पंचम के स्थान पर, विद्या के स्थान पर भी मौजूद है। और पंचम स्थान जो कहा जाता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो दिमाग से जो हम कार्य करना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, उन प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए हम पाँचवें स्थान से यानी फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। तो उस स्थान में बुध का होना, बुद्धि का होना यानी कि बुद्धि हमारी काफ़ी एक्टिव रहेगी, दिमाग काफ़ी तेज चलेगा इस समय पर। साथ ही साथ जो है चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो कि मन का और धन का जो कारक ग्रह है वो भी जो है इस समय पर जो कुंडली के अंदर विद्यमान है वो भी पंचम स्थान में ही बैठा हुआ है। यानी कि मन भी हमारा सब जो है सपोर्ट कर रहा है और साथ में हमारा दिमाग भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसका राशियों के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग तरह से पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे जो सूर्य की स्थिति है या मंगल की स्थिति है, विशेष करके देखा जाए तो इसी अक्टूबर के मंथ में कुंडली के अंदर थोड़ा सा जो ग्रहों का जो प्रभाव है, काल सर्वदोष भी प्रभाव में आ रहा है कुंडली के अंदर। इसका भी थोड़ा बहुत हमारी राशियों के ऊपर इसका जो है सुप्रभाव भी और कुप्रभाव भी दोनों तरीके से रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास अपील है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में जो है इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। वृषभ राशि, राशि का स्वामी शुक्र पत्रिका के अंदर जो विराजमान है इस समय पे वो है आपके फिफ्थ हाउस में यानी कि पाँचवें स्थान पर। और राशि का स्वामी शुक्र का पाँचवें स्थान में आना यानी देखा जाए तो यहाँ पे पांचवा स्थान जो कि विद्या का भी है और संतान का भी है, तो आपको संतान पक्ष में जो है आपकी जो विलंबता थी वो आपकी विलंबता अब खत्म होने वाली है। संतान पक्ष में यानी संतान सुख की प्राप्ति में आपको अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें। साथ में अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन के घर में जो है मंगल भी विराजमान है और सूर्य भी है और शुक्र भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है पढ़ाई के लिए आपको जो है कोशिश थोड़ा ज़्यादा करनी होगी। करियर की बात करते हैं तो करियर का स्वामी है पत्रिका के अंदर शनि, और शनि जो पत्रिका में है वो अष्टम भाव में है, तो आठवें स्थान का शनि यानी कि मेहनत करवाता है बहुत ज़्यादा। कर्म के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती हैं, प्रयास बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो ये प्रयास थोड़ा आपके कर्म को लेके आपको आगे बढ़ाने में सफलता तो दिलाएंगे, पर कहा जाता है कि शनि थोड़ा सा धीमी रफ्तार से चलते हैं इसलिए फल भी ज़रा धीमे ही मिलता है। पर आप तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपको जो है नई जॉब के लिए या जो है बिजनेस के लिए ये समय आपके धीरे धीरे करके आपका आगे अच्छा दिखाई दे रहा है कुंडली के अंदर। यानी कह सकते हैं कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है इसमें, परंतु समय थोड़ा सा विलंब थोड़ा सा रहेगा इसमें। अगर बात करें इसमें आपके भाग्य के लिए तो भाग्य का जो कारक ग्रह है वो भी आपका शनि है, इसलिए कर्म क्षेत्र में भी और भाग्य क्षेत्र में थोड़ा सा विलंबता रहेगी, पर धैर्य धारण करके रखें, आगे आने वाला समय जो है आपका काफ़ी अच्छा जाएगा इसमें। अगर बात करते हैं प्रेम संबंधों के लिए तो सप्तम कारक ग्रह जो कुंडली के अंदर जो बनता है आपका वो बनता है मंगल, और मंगल विराजमान है आपके पंचम स्थान में यानी कि आपके संतान के स्थान पर, तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विवाह के लिए, विवाहित जीवन के लिए ठीक ठाक है, थोड़ा दिक्कतें हल्की फुल्की थोड़ा सा रहेंगी, परंतु फिर भी कोई ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छा रहेगा। परंतु अगर आप कुछ प्रेम संबंध यह है आपका और उसको आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है सब जो है दिक्कतें थोड़ा आएंगी इसमें, पर अगर आप इसमें जो है कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, अपनी फैमिली वालों को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको मान जाएंगे। और आगे आने वाला जो समय है कुंडली के अंदर उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आपका विवाह का योग भी बहुत जल्दी इसमें बनने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इसमें आपके धन क्षेत्र के, तो धन का जो मालिक है पत्रिका के अंदर वो है आपका बुध, पर बुध की जो स्थिति है कुंडली के अंदर वो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। बुध जो कुंडली के अंदर है छठे स्थान में चंद्रमा के साथ विराजमान है, चंद्रमा जिसको कहते हैं धन और मन का कारक ग्रह है, इसमें धन जो है कुंडली जितनी आपकी आवश्यकता है उतना तो नहीं मिलता है, पर हाँ फिर भी इतना कह सकते हैं कि 80% तक आपको जो है धन की प्राप्ति के योग इसमें बन जाएंगे, भले वो फिर आपका कर्ज में बने चाहे आपका जो है वो लोन से बने, परंतु आपका बंदोबस्त इसमें जरूर आपका हो जाएगा। तो यहाँ धन के लिए भी आपके लिए कोई खास समस्या वाली बात नहीं दिखाई देती है। कर्म क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र का जो मालिक है पत्रिका के अंदर वो बनता है आपका शनि, और शनि जो विद्यमान है वो कुंडली के अंदर वो आपका बैठा हुआ है अष्टम भाव में,
अक्टूबर का महीना। धन क्षेत्र की अगर बात करें तो धन का जो कारक ग्रह है पत्रिका के अंदर वो बनता है बुध, और बुध बैठा है छठे स्थान पर यानी कि कर्जे के स्थान पर है। तो देखा जाए तो अगर आप धन की व्यवस्था में लगे हैं और आपको जो है धन की स्थिति चाहिए कि हाँ धन बढ़े आपका, तो ये आप इसके लिए आपको बंदोबस्त हो जाएगा, चाहे वो फिर कर्जे से हो चाहे आपका लोन से हो, पर धन की स्थिति आपकी धीरे धीरे करके आपकी जो है अच्छी दिखाई दे रही है इसमें। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आंकलन के द्वारा बनाया गया है। यदि आप अपनी कुंडली के आधार पर राशिफल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या लिंक पे जाकर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें।